दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एजी एनवायरो कंपनी के ऑपरेशनल हेड समीर तोनपे सर। तोनपे सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो 50 कॉम्पैक्ट पोर्टेबल जो परचेस एनएमसी ने किया है, तो उसमें कुछ किसी प्रकार का एक भ्रष्टाचार हुआ है और वो खासतौर पर आपकी कंपनी से परचेस किया, ऐसा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, उस पर आपका क्या टिप्पणी है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक के ऐसी कुछ घटना हुई नहीं है कि जो हमारे तरफ से उन्होंने पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स खरीदी किया है। सबसे पहले जब हमारी कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, तब टेंडर में ऐसा लिखा था कि महानगर पालिका के तरफ से हम लोगों को ट्रांसफर स्टेशन मिलने वाले थे, लेकिन ट्रांसफर स्टेशन की जगह की कमतरता या अन्य कारण के वजह से एनएमसी ने, महानगर पालिका ने ट्रांसफर स्टेशन की जगह हम लोगों को पोर्टेबल कॉम्पैक्टर्स देने का वादा किया। वो अनुसार उन्होंने हम लोगों को ये भी पूछा था कि उसमें आप लोग क्या इसका किराया दे पाओगे, तो उन्होंने भी लिखित स्वरूप में दिया, हम लोगों ने भी उसका लिखित स्वरूप में उत्तर दिया कि हाँ, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो भी हम लोग हाथ बार लगा के हम लोग किराया आपको पे करेंगे। लेकिन इसमें तो ट्रांसफर स्टेशन की जगह अगर वो पोर्टेबल कॉम्पैक्टर दे रहे और उसका भी खर्चा हम ही दे रहे, तो इसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, ये मुझे अभी तक के समझ में नहीं आया। सर, ऐसी एलिगेशन लग रहे हैं कि जो सिस्टर कंपनी है जिसे डीलिस्ट किया गया, तो वह कंपनी आपके कंपनी से बिलोंग करती है, उस संदर्भ में आप क्या कहोगे? नहीं, टीपीएस ये टोटली अलग कंपनी है, हमारी कंपनी टोटली अलग है, इसके लिए मैं ये इसका खंडन करता हूँ। जब जो कर्मचारी जो आप लोगों ने जो नियुक्त किए हुए अपने कंपनी में, कचरा संकलन कंपनी में, तो स्वास्थ्य के उनका जो बीमा है उसका भी प्रश्न काफ़ी उठ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो रहा है और जो वे खर्च कर रहे हैं उनको बीमे के रूप में वो पैसा मिल नहीं रहा, ऐसा आरोप लग रहा है, उस पर आप क्या कहोगे? हम लोग हमारी कंपनी के तरफ से एक कंपनी का एक सामूहिक दायित्व एक बीमा रहता है, वो किया गया है, उसमें 1.5 लाख रुपये तक के हम लोग उनको बीमा में समाविष्ट करते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी टेक्निकल कारण के वजह से या कुछ कारणवश उसमें थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उनको उसका फायदा मिला ही नहीं, सब लोगों को उसका फायदा मिलता ही है। और ये भी आरोप लग रहा है कि जो काफ़ी हद तक देखा गया कि जो बीमा किए कुछ कर्मचारी और जो बिना बीमा के जो कर्मचारी है उनके स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक असर हो रहा, दुर्गंधी जैसा वातावरण है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप में तो जो सेफ्टी गार्ड जो रखना चाहिए कंपनी वो मेंटेन नहीं कर रही, उस पर आप क्या कहो? देखिए, सभी हम लोग सभी कर्मचारियों का बीमा किया है और सभी कर्मचारियों का बीमा आप किसी भी प्रकार से उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी कर्मचारी को छोड़ा और किसी कर्मचारी को पकड़ा कि उसका एक का बीमा है एक का बीमा नहीं है, तो सभी कर्मचारियों का हमारे पास में बीमा है और हमारी कंपनी इस प्रकार का दुर्व्यवहार कभी भी ना किया है ना करेंगी। महानगर पालिका द्वारा संचालित आपकी जो एजी एनवायरो जो कंपनी है जी, तो आपका एक क्या मैसेज होंगे जनमानस में, एक तरह से अभी ये जो पॉलिटिकल एलिगेशंस जो चल रहे हैं उस संदर्भ में आपका एक क्या मैसेज होगा जनमानस में उस संदर्भ में? हम लोग हमारा काम उचित तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी कोई छोटी मोटी दिक्कत रहती है तो महानगर पालिका भी हम लोगों को वक्त वक्त पे उचित सहायता करते हैं, डॉक्टर मोहल्ले जी अच्छे से सहायता करते हैं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी हम लोगों को सहायता करते, लेकिन कभी कभी हमारी एक छोटी सी मांग है कि जैसे हम लोगों को ट्रांसफर पॉइंट दिया जाए या ट्रांसफर स्टेशन की जगह अगर पोर्टेबल कॉम्पैक्टर देते तो हमारी जो सुविधा है वो 100% विथ एक्यूरेसी रहेगी, यही एक हमारी एक। तो दर्शकों, ये थे एजी एनवायरो के ऑपरेशनल हेड समीर तोनपे सर, जिन्होंने बताया कि वे जनमानस की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, महानगर पालिका के थ्रू जो कचरा संकलन है वो गतिपूर्ण कार्य हो रहा है और ऐसे में किसी भी प्रकार की जो कुछ भी नागरिक की समस्या है वे डायरेक्ट वे आपसे संपर्क कर सकते हैं और आगे आप अपने काम के प्रति समर्पित है, ऐसा आपने कहा।